हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर पति देव बना रहे हैं दाल। तो भी चलेगी दाल पार्टी, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं चूल्हा जलाने में, क्योंकि उनसे चूल्हा नहीं जलता है और आज चूल्हे पे बनेगी दाल। तो दाल को मैं हल्का सा बॉयल करके लाई हूँ, ज़्यादा बॉयल नहीं किए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, दाल पार्टी चलेगी दोस्तों। तो आज बहुत मन कर रहा था कि सुबह थोड़ा सा ही नाश्ता हुआ था, तो सोचा चलो आज दिन में पार्टी करेंगे, वो भी दाल पार्टी। पति देव के हाथों की, बच्चों की भी मन था। तो सारा सामान पति देव ने ही काटा, प्याज लहसुन जो भी होता है दाल में डलना होता है वो उन्हीं ने बनाया। सिर्फ चूल्हा जलाने की गारंटी मेरी थी, तो मैं वहीं पे बैठी थी कि कहीं ये बुझ ना जाए, क्योंकि लकड़ियां नहीं थी, जो उपले होते हैं उन्हीं से बनाना था। तो अभी हम ये देखिए बना रहे हैं, और बीच में परेशान भी कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। परेशान ऐसा कर रहे हैं कि मैं बार बार कह रही हूँ ये जल रहा है, वो जल रहा है, तो वो बहुत तुम क्या जानो बार बार यही कह रहे हैं। और बच्चों का भी मन था तो बना दिए पति देव। इधर हेलो फिर फ्रेंड्स, मैंने राधे राधे। कपड़े चेंज किए और सब रोटी बनाई। रोटी नहीं दोस्तों, रोटियां भी बनाई कुछ, और साथ में हाथ से टिक्कड़ भी सेके हैं कुछ, और गर्मा गर्म यहीं पे खाते हैं जब भी मन करता है बनाने का। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी बन रही है रोटियाँ, और साथ में खाएंगी। आप भी आइए दोस्तों, खाइए। तो काफ़ी धूप भी थी लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। कभी कभार ऐसा होता है कि आज छुट्टी का दिन था, तो सभी को लग रहा था कि चलो आज कुछ नहीं बनाए, तो मैंने थोड़ा हल्का सा ही नाश्ता बनाया था सुबह, और ये अभी बना रही हूँ रोटियाँ, और गर्मा गर्म घी के साथ बच्चे भी खाएंगे, साथ में हम भी। तो आइए दोस्तों, आप भी खाएं। आपके साथ भी ऐसा होता है कभी कभी कभार, हो जाता है दोस्तों, मन करता है कि चलो आज कुछ करें, कुछ खाएं, तो बस कुछ नहीं, बस दाल बनाए, और साथ में उसके साथ टिक्कड़ बनाए। तो मैंने आटा में थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा बेसन, अजवाइन, और फिर आटा लगा लिए, फिर उसी के टिक्कड़ सेक के, और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं गाइस। ये क्या हो गया है, मैं ये जल गई हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा जल गई हूँ हाथ में बहुत तेज। अरे यार, तो मैं काफ़ी दर्द हो रहा है मुझे, जलन, फिर भी मुझे बनाना है क्योंकि रोटियाँ रखी हैं, जल भी गई हूँ, अब उसी हाथ से सेकना होता है। काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा जल गई हूँ गाइस, ये देखिए हाथ में ऊपर ही वो काला निशान पड़ गया है, एकदम से भाप निकली। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी जल गई हूँ थोड़ा सा हाथ में, फिर भी बनाती जा रही हूँ क्योंकि वो तो रोज ही का काम है। तो आइए दोस्तों, कैसा लगा आपको, आप भी खाइए, कमेंट करके बताइए। आप लोग भी ऐसा करते हैं कभी? हम लोग तो सर्दियों भर यही करेंगे, बहुत अच्छा लगता है कभी कभार पार्टी करना, गर्मा गर्म खाना, और वो भी चूल्हे वाला, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों बस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं जल गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसमें दवाई लगाऊंगी। बाय बाय।